हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक खास पौधे की। जी हां दोस्तों, इस पौधे का नाम है जिनसिंग। और अगर आप इस पौधे का सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको डायबिटीज़ में निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ एक तरह का मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खान पान के प्रति अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। और दवाइयों के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। तो इसी में ही आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जिनसिंग की। और जिनसिंग एक बहुत ही स्पेशल पौधा है, डायबिटीज़ के इलाज में इसका पर्याप्त उपयोग है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जिनसिंग में ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। और दोस्तों, आप समझिए कि जिनसिंग जो है वो बॉडी में इंसुलिन को रिलीज़ करने में और उसको कंट्रोल कराने में दोनों में हेल्प करता है। आप समझिए दोस्तों कि जिनसिंग का चूर्ण या टॉनिक मार्केट में अवेलेबल है और इसको आप अगर कंज्यूम करेंगे सही तरीके से तो निश्चित रूप से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, आप समझिए कि कितना खाना है जिनसिंग। तो डायबिटीज़ के मरीजों को दिन में 3 ग्राम जिनसिंग का सेवन करना है। आप ये सेवन दूध या फिर पानी के साथ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके लिए कारगर हैं। और कैसे और कहां से मिलेगी ये जिनसिंग, आप समझिए दोस्तों कि जिनसिंग का चूर्ण और टॉनिक दोनों ही ऑनलाइन शॉपिंग से मंगा सकते हैं आप घर बैठे। ये फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह हैं, कहीं से भी मंगाइए और उसी पर दिए गए इंस्ट्रक्शन या फिर डॉक्टर से सलाह के बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें।